नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। खुशखबरी, राजस्थान से बंगलौर ने दी नए पदों की स्वीकृति। देखिए पूरी जानकारी, तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है जोधपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर में खुलेगा यूनानी महाविद्यालय। महाविद्यालय के संचालन के लिए नवीन पद सृजित किए जाने की भी मंजूरी। स्वीकृति के अनुसार महाविद्यालय के संचालन के लिए 8 सेक्शन पदों का होगा सृजन। सहाचार्य के 4 तथा सहायक आचार्य के 3 पद स्थायी तौर पर भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्थायी तौर पर ये भर्ती होगी, जिसमें आप देख सकते हैं जो नवीन पद सृजित किए गए हैं महाविद्यालय के संचालन के लिए 8 जो सेक्शन पदों का सृजन होगा, जिसमें सहाचार्य के 4 और सहायक आचार्य के 3 पद यहाँ पर भरे जाएंगे और सहायक आचार्य का 1 पद पार्ट टाइम आधार पर भरा जाएगा। 24 असैक्षणिक व हॉस्पिटल स्टाफ पदों का भी किया जाएगा सृजन। अतिरिक्त बागवान, बॉर्ड बॉय, एक्सरे टेक्नीशियन एवं चपरासी आदि के और 18 पद आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट आदि विशेषज्ञों के 12 पद पार्ट टाइम आधार पर भरे जाने की भी स्वीकृति दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी बात है, यहाँ पर जो पद भरे जाएंगे अलग अलग आप देख सकते हैं, सेक्शन पदों पर सृजन होगा और असेक्शन पदों पर यहाँ पर भी पद भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं विभिन्न पदों पर आप देख सकते हैं सृजन किया जाएगा और जोधपुर परिसर में जो यूनानी महाविद्यालय खोला जाएगा उसमें नवीन पदों यहाँ पर सृजित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार CM अशोक गहलोत नए पदों को स्वीकृति दे रहे हैं, जल्द आपको यहाँ पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।